Assalamu alaikum students, I am your English teacher. Today we will read chapter 1, Birthday Present. This is your book, Oxford Reading Circle, grade 6. Let's start reading Birthday Present. It was not that Omri didn't appreciate Patrick's birthday present to him. Far from it. It was really very grateful sort of. It was without a doubt very kind of Patrick to give Omri anything at all. Let's alone a second-hand plastic Red Indian which he himself had finished with. The trouble was through that Omri was getting a little feet up with small plastic figure and of which he had loads biscuit tin full, properly 3 or 4, if they were all put away at the same time, which they never were because most of the time they were scattered about in the bathroom, the loft, the kitchen, the breakfast room, not to mention Omri's bedroom and the garden. Now this is my first lecture. Assalamu alaikum student, welcome back grade 6. Let's start reading for this paragraph. Omri and Patrick had spent many hours together playing with their joint collections of plastic toys, but now they had about enough of them, at least for the moment, and that was why, when Patrick brought his present to school on Omri's birthday, Omri was disappointed. He tried not to show it, but he was. Cornered, suddenly he saw him, but he wasn't on the shelf anymore. He was in the bottom of the cupboard and he wasn't standing upright. He was crouching in the darkest corner, half hidden by the front of the cupboard, and he was alive. Now I'm explaining for this chapter meaning. सो बर्थडे प्रेजेंट की मीनिंग होती है सालगिरह का तोहफा, यानी कि किसी कोई भी सालगिरह का तोहफा, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपकी बहन भाई, वो तोहफा. सो स्टूडेंट, इस स्टोरी में टू फ्रेंड्स की बात की गई है. फर्स्ट जिसका नाम ओमरी है, जो कि आपके रीडिंग में नाम आया पैट्रिक, इन दो स्टूडेंट्स पे, यानी कि दो बच्चों पर बात की जा रही है और किसने क्या तोहफा दिया, ये है स्टोरी का. सो मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, ओमरी और पैट्रिक बहुत अच्छे दोस्त थे और ओमरी पैट्रिक को हर साल अपनी बर्थडे पे अच्छा तोहफा देता है, लेकिन इस बार जो तोहफा, यानी कि जो भी पैट्रिक ओमरी को तोहफा देता था उसमें कोई शक नहीं होता था, उसका तोहफा बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब होता है. लेकिन इस बार जो पैट्रिक ने ओमरी को गिफ्ट दिया वो सेकेंड हैंड एक प्लास्टिक रेड इंडियन था, यानी कि सेकेंड हैंड आप लोग समझते हैं जैसे कि आप लोग सेकेंड हैंड कार लेते हैं, यानी कि इस्तेमाल शुदा. तो इसी तरीके से ये जो खिलौना दिया गया है ये बिल्कुल ही इस्तेमाल शुदा, यानी कि इस्तेमाल किया हुआ है. सो दिस इज माय सेकंड लेक्चर, वेलकम बैक ग्रेड 6. सो नाउ आई एम टेलिंग फॉर दिस पैराग्राफ एक्सप्लेनेशंस. सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओमरी और पैट्रिक, यानी कि बहुत अच्छे दोनों दोस्त थे, और इस बार जो पैट्रिक ने ओमरी को तोहफा दिया था उसकी वजह से ओमरी को बिल्कुल ही, यानी कि उसका तोहफे से बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था. सो ये स्टोरी है, तो मैं आपको आगे बताती हूँ. जो छोटा, यानी कि जो ओमरी ने, यानी कि पैट्रिक ने जो ओमरी को जो उसके सालगिरह का तोहफा दिया था वो किस तरीके था, वो एक छोटा सा था और हल्का सा वजन था, यानी कि एक बिस्किट का टिन बॉक्स होता है, यानी कि बिस्किट का बॉक्स होता है उसकी तरह बिल्कुल था, यानी कि 3 से 4, यानी कि ऐसा लगता है 3 से 4 बिस्किट हो उसका वजन होता, उस तरीके से था और ऐसा था. लेकिन क्या था कि उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, यानी कि उसका तोहफा बिल्कुल पसंद, लेकिन पहले भी उसने
और क्या नाम है, पहले भी पैट्रिक ने इसको तोहफे दिए थे तो उसको बहुत पसंद आते थे, किचन किचन टाइप का भी दिया था, ब्रेकफास्ट टाइम का भी, यानी कि अलग अलग किस्म के तोहफे दी भी दिए थे। सो अब क्या हुआ, ओमरी और पैट्रिक ने यानी कि बहुत सारे खिलौने जमा किए हुए थे, यानी कि दोनों अच्छे दोस्त थे, हमेशा साथ ज्यादा गुजारते थे और अपने यानी कि अपने खिलौनों का कलेक्शन यानी कि बहुत सारों को जमा करके उस साथ खेलते थे। ये इनके लिए बहुत नहीं होता, ये बहुत ज्यादा मूवमेंट यानी कि बहुत बार खेलते थे। अच्छा क्या हुआ, अब क्या हुआ, पैट्रिक ने उसका बर्थडे प्रेजेंट को स्कूल में दे दिया, लेकिन ओमरी को उसका तोहफा पसंद नहीं आया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन उसने ये भी जाहिर नहीं करा कि मुझे तुम्हारा तोहफा पसंद नहीं आया, ये जाहिर सी बात है वो उसका दोस्त था, तो इस वजह से उसने जाहिर होने नहीं दिया, अपनी फीलिंग को बयान होने नहीं दिया पैट्रिक के सामने। नाउ कम टू द पेज नंबर 10। सो स्टूडेंट, अब पैट्रिक ने पूछा ओमरी से, क्या तुम्हें ये पसंद आया, क्या जो मैंने तोहफा दिया तुम्हें पसंद आया? लेकिन क्या हुआ, ओमरी खामोश हो गया और उसने हाथ में देखा, हाथ में लिया, उसने कहा ये तो बहुत अच्छा है, यानी कि एकदम यानी कि अपनी आवाज बिल्कुल वैसी निकाली कि हाँ मुझे पसंद आया, मेरे पास ये इंडियन आदमी नहीं था। तो पैट्रिक ने कहा आई नो, लेकिन आई हैवंट गॉट एनी काउ बॉयज इधर, कह रहा लेकिन मेरे पास काउ बॉयज भी नहीं है। तो क्या हुआ कि उसने बताया कि मैं इसके साथ यानी कि मैं इसके साथ खेलूंगा और बहुत ज्यादा वो करूंगा, यानी कि अपने दोस्त को उसकी अपनी फीलिंग बयान नहीं करी। ओमरी ने अपने यानी कि अपने दिल का इजहार यानी कि बुरा बिल्कुल नहीं लगाया, यानी कि पैट्रिक को बिल्कुल भी महसूस होने दिया कि मुझे तुम्हारा तोहफा पसंद नहीं आया, उसने क्या अगर उसका तोहफा अपनी पॉकेट में रख लिया। यानी कि ये सारी बातें स्कूल में हो रही है, स्कूल में बात करने के बाद अब क्या हुआ, ओमरी अपने घर आ चुका है और वो अपनी फैमिली के साथ चाय यानी कि चाय पी रहा है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि उसके माँ बाप और उसके बहन भाई उसको क्या तोहफा देते हैं। नाउ दिस इज माई थर्ड लेक्चर, वेलकम बैक ग्रेड 6, दिस इज माई फोर्थ लेक्चर, नाउ आई एम एक्सप्लेन फॉर दिस पैराग्राफ मीनिंग। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओमरी को पैट्रिक का तोहफा बिल्कुल पसंद नहीं आया था और जो ये रेड इंडियन जो मैन था यानी कि आदमी था बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और उस वो चाह भी नहीं रहा था कि मैं उससे खेलूं, अपनी फीलिंग्स अपने दोस्त के सामने बयान नहीं की थी और खामोशी से अपनी पॉकेट में रख लिया था। जब ओमरी स्कूल से फारिग होकर घर पर आया तो अपनी फैमिली के साथ टी टाइम यानी कि टी टाइम जो फैमिली मेम्बर्स का होता है वो पीने के बाद, टी टाइम अटेंड करने के बाद, अब ओमरी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि उसके पेरेंट्स और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसको क्या तोहफा देंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही उसके फैमिली मेम्बर्स ने उसको तोहफा दिया तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, स्केट बोर्ड मिला उसको, किक बोर्ड मिला, क्राइम पोर्ट्स मिले और व्हील्स मम्स और डैड ने दिए, और उसका जो एल्डेस्ट ब्रदर था आदिल उसने हेलमेट दिया, गिलन सुधा उसका एक और भाई था उसने वो कोई तोहफा नहीं दिया क्योंकि उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसकी पॉकेट मनी खत्म हो चुकी। क्या एक्सीडेंट हुआ था, उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसके सारा का सारा मसला उसकी पॉकेट मनी उसमें लग गई थी। तो गिलन से कहा था कि तुम्हारा बर्थडे जो प्रेजेंट है यानी कि सालगिरह का जो तोहफा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो एक पार्सल की सूरत में है। जब देखा गया तो एक अजीब तरीके से पेपर यानी कि ब्राउन पेपर में रैपर्ड हुआ था और यानी कि सही तरीके से उसको रैपर नहीं किया गया था, यानी कि अजीब सा ही लग रहा था। जब ओमरी ने ये तोहफा देखा तो उसने कहा ये क्या है अजीब सा, तो उसने कहा कि ये सब मैंने डस्टबिन यानी कि गार्डन के डस्टबिन के यहाँ से उठाकर इसको रैप किया है, तीन लड़के इससे खेल रहे थे यानी कि ट्रेजर यानी कि वो खेल रहे थे तो बहुत ज़्यादा वो लोग अबीर दिख रहे थे, ये पेपर इस वजह से मैंने इसको रैपर किया गया है। अब इसके अंदर जो था एक मेटल यानी कप बोर्ड टाइप का था और शीशा लगा हुआ था और एक बेसन बना हुआ था, यानी कि एक अलग किस्म का पुराने ज़माने टाइप का कप बोर्ड बना था। लेकिन क्या था, उस कप बोर्ड के अंदर जब ओमरी ने देखा तो वो बहुत ज़्यादा नाखुश हुआ दोबारा से, यानी कि जैसे पैट्रिक के तोहफे को देखकर वो नाखुश हुआ वैसे ही इसको हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल ही खाली था यानी कि एम्प्टी था, यानी उसके अलावा वो सब कुछ एम्प्टी था क्योंकि उसने सारी चीज़ें निकाल दी थी। अब उसके बाद कह रहा कि ये बहुत अच्छा है, तुम इसमें कुछ भी चीज़ें अरेंज कर सकते हो, उसको संवार सकते हो, इस कप बोर्ड में ड्राइंग वराइंग कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन क्या है, अब क्या हुआ कि वो कहता कि काश लॉक्ड होता यानी कि खुला हुआ होता यानी कि बंद होता। अब क्या हुआ, गिलन से कहने का तुम शिकवा करने के बजाय तुम मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि तुम्हें मैं ये तोहफा मैंने दिया। अब क्या हुआ, एकदम जब उसने देखा कि एक होल यानी कि होल टाइप का बना हुआ उस बॉक्स में और वो छोटा सा था, यानी कि बॉक्स उस साइड पर एक बॉक्स बना हुआ था, उसने कहा था कि ये बॉक्स है, तो उसकी मॉम कहती कि तुम इसमें कीस लगा के देखो, जो भी फिट हो फिर ये होल खुल जाएगा।
यानी कि उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यानी कि अलग ही किस्म का तोहफा लग रहा था। अब वो उसको देखकर थोड़ा सा खुश हुआ था। दिस इज माय फोर्थ लेक्चर कंप्लीट। वेलकम बैक ग्रेड सिक्स, दिस इज माय फिफ्थ लेक्चर पेज नंबर 12। नाउ आई एम एक्सप्लेन फॉर दिस पैराग्राफ मीनिंग। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गिलंस ने इसको एक गिफ्ट दिया था जो कि अजीब सा रैपिड हुआ था, यानी कि कप बोर्ड टाइप का था और उसमें होल था, यानी कि वो ओपन यानी कि खोलना था। अब क्या हुआ, जैसे उसके पास बहुत सारी की का कलेक्शन था ओमरे के पास, तो उसने सब लगाई, लेकिन क्या था, कुछ बड़ी थी कुछ छोटी थी, यानी कि उसमें साइज में फिट नहीं हो रही थी और वो खुल नहीं रही थी, क्योंकि उसके पास उसको यानी कि चाबी जमा करने का भी बहुत शौक था, यानी कि अलग अलग किस्म की चाबी को वो जमा करता था और खोलता था, यानी कि उसको बहुत मजा आता था। तो इस वजह से उसने बहुत सारे चाबियों का गुच्छा बनाया हुआ था और एक रेड रिबन टाइप की उसमें डाला हुआ था। अब क्या है, जब उसने डाला तो क्या हुआ, कोई भी चाबी फिट नहीं हुई, यानी कि उसको बहुत ज्यादा उसने चाबी लगाने के बाद खोलने की कोशिश करी पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। तो अमरी ने क्या करा, वो गिफ्ट को उठाकर रख दिया और फिर क्या करा, अपनी केक कटिंग यानी कि फिर केक काटने के बाद यानी कि फिर वो केक वेक खाया यानी कि सेलिब्रेट करने के बाद वो ये सब कुछ भूल गया, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका क्या था, टेस्ट था, स्पेलिंग टेस्ट था, तो इस कीज की प्रिपरेशन में लग गया, उसको बिल्कुल याद नहीं रहा। अब क्या हुआ, 4 दिन गुजर चुके थे, फिर ओमरी को एकदम यानी कि ओमरी को एकदम टेस्ट पास, यानी कि उसने कहा था कि बस मेरा टेस्ट पास हो जाए, तो इस वजह से वो अपने टेस्ट में लग गया था। और जो गिल्स यानी कि जो उसके भाई ने जिसको प्रेजेंट दिया था, तोहफा दिया था, वो उसके यानी कि सीक्रेट के बारे में भी सोचता था कि इसको जल्दी से ओपन करूं। अब क्या हुआ कि उसने डोर में की लगाने की कोशिश करी तो की लग गई, लेकिन क्या हुआ, खुल नहीं थी। उसने कहा, है मॉम आई फाउंड वन, यानी कि मैंने फाउंड तो कर लिया गिफ्ट, लेकिन ये खुल नहीं रहा, यानी कि ये अभी तक ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो अपनी मॉम को बताता है कि मॉम मुझे मिल गई है, लेकिन क्या है, ये की फिट नहीं हो रही। लेकिन क्या हुआ, वो एकदम उसने कहा कि मॉम ये जो की आप पहनी हुई है, यानी कि ये जो की है ये मुझे दें। तो उसने बताया कि ये उसकी मॉम ने बताया कि मेरी ग्रैंड मदर के ज्वेलरी बॉक्स की पुरानी की है, जो कि बहुत ही अच्छी है और अच्छी बनी हुई, तो इस वजह से मैं इसको संभाल के रखती हूँ और हमेशा एक थ्रेड यानी कि रिबन में यानी कि इसको पहन के रखती हूँ, यानी कि इसको अपने पास ही रखती हूँ, उसको मैं खोती नहीं हूँ, हमेशा मुझे याद रहती है। इस वजह से मैं इसको काफ़ी अच्छे तक मैं इसको पहन के रखी हुई, यानी कि मैंने इसको खोने नहीं दी। तो क्या कहा, उसने अपनी मम्मा से कहा कि मॉम ये मुझे दे दीजिए, ज़रा चेक करके देखूँ कि इससे खुलता है या नहीं खुलता। तो उसकी मॉम ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें दे दी, लेकिन अगर नहीं खुले तो मुझे वापस दे देना और उसको खोना नहीं, ये चाबी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, ओमरी ने जैसे ही कपबोर्ड लिया और खोलने की कोशिश करी, तो फिर क्या हुआ, फिर उसने कहा कि हो सकता है इसमें गिलंस ने क्या नाम है कोई ना कोई मेडिसिन रखी हो, नोज ड्रॉप, यानी कि वो ये सब कुछ सोच रहा था कि ये सब वेस्टेज है, कुछ भी नहीं है, उसने इसमें ये चीज़ें रखी होंगी और कुछ नहीं है। तो उसकी मॉम ने कहा, तुम ये संभाल के रखना, क्योंकि मेरा जो ज्वेलरी बॉक्स है मैंने उसमें सामान रखा है, मेडिसिन सब रखी हुई है, तो ये खो जाएगी, क्योंकि ये घर के लिए यूज़ की जाती है, तो ये इसको खोना नहीं। सो क्या हुआ, उसकी मॉम ने उसको राय दी कि तुम इसको खोलने के बाद इसमें एक रेड इंडियन यानी कि जो तुम्हें मिला है वो रख देना। अब क्या हुआ, जैसे उसकी मॉम ने उसका ट्राउजर मिला, तो उसकी मॉम ने कहा कि मुझे ये तुम्हारा रेड इंडियन यानी कि जो पैट्रिक ने प्रेजेंट दिया है, ये मैं इसको धोने वाली थी, तुम्हारे ट्राउजर्स में से मिला है। तो उसकी मॉम ने कहा, तुम इसको संभाल के रखो, इसको शेल्फ में रख दो, यानी कि किसी भी शेल्फ में रख दो, यानी कि जो क्या नाम है गिलेंस ने इसको वो दिया है ना गिफ्ट दिया, तुम उसमें रख दो। तो उसकी मॉम ने कहा, यस एंड लॉक इट, और उसको लॉक कर देना, ठीक है, यानी कि बंद कर देना। उसने अपनी मदर ने उसने बोला कि तुम इसको शेल्फ में रख दो, ठीक है। आए, लेक्चर इज कम्प्लीट। वेलकम बैक ग्रेड सिक्स, दिस इज माई सिक्स लेक्चर। नाउ आई एम एक्सप्लेन फॉर दिस पैराग्राफ मीनिंग। तो जैसे कि स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि उस पैट्रिक उसको तोहफा देता है, यानी कि जो रेड इंडियन देता है, यानी कि एक आदमी देता है, इंडियन आदमी देता है, तो वो उसके गिफ्ट से मायूस होता है और उससे गिफ्ट का ज़्यादा ख्याल नहीं रखता। उसके बाद जो उसका भाई था ग्लेन, उसने उसको गिफ्ट दिया होता है, एक बॉक्स होता है जो कि बंद होता है, तो वो की सर्च करता है, की जिसके पास कलेक्शन होती है तो वो की लगाता है, लेकिन वो खुलता नहीं है। लेकिन उसकी माँ की जो की होती है, यानी कि जो उसकी माँ हमेशा चेन में यानी कि अपने गले में लॉकेट बना के पहनी होती है, वो लगाता है तो उससे खुल जाती है, यानी कि वो चेक करता है कि खुल दे।
तो उसकी मदर, जैसे वो बात कर रहा होता है तो उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारा ये रेड इंडियन, यानी कि तुम्हारे पैट्रिक का, पैट्रिक ने तोहफा दिए, ये पैंट में से मिला है, इसको संभाल करो, किसी शेल्फ में रख दो, यानी कि जो बॉक्स में दिया है उसमें रख दो। तो वो बोलता है ठीक है। अब क्या हुआ, कपबोर्ड के, अब हम आते हैं कपबोर्ड के, यानी कि वो कपबोर्ड जो होता है वो खोलने के बाद, यानी कि वो रेड इंडियन को उसमें रख देता है, यानी कि उसमें रखने के बाद अब क्या होता है, जैसे ही वो सोने के लिए जाता है, आंखें बंद करता है, तो उसको ये डाउट, नो डाउट होता है कि वो लगता है कि उसको अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं। कहता है कि अजीब सी आवाज़ें कहाँ से आ रही, उसको ऐसा लग रहा था कपबोर्ड में से ये आवाज़ आ रही, यानी कि जो पैट, जो उसका भाई जिसको तोहफा देता है उसमें से आवाज़ आ रही है, उसमें से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा है कोई चीख रहा है, कोई यानी कि बोर्ड को, यानी कपबोर्ड को खुरेज रहा है, यानी कि नाखून की मदद से उसको खुरेज रहा है। तो उसको ये यकीन हो जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ है, यानी कि कोई ना कोई कपबोर्ड के अंदर है, और वो अपने आप को टच करा, अपने महसूस करवा रहा है, और दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बजा रहा है, लेकिन क्या है कपबोर्ड जो है बिल्कुल भी मूव नहीं होता, लेकिन उसको ये लग रहा होता है कि ये सब कुछ, काफ़ी अर्से तक ये वो सोच रहा था, इमेजिनेशन कर रहा होता है कि ये सब कुछ उस कपबोर्ड की वजह से ही, यानी कि इसमें से ही आ रहा है। लेकिन क्या है, अब क्या है, अब स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या बात हुई। यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पर ओमरे जो है यहाँ मैं इमेजिनेशन करता है, यानी कि अपना तोहफे को, पैट्रिक अपने तोहफे को, पैट्रिक के तोहफे को वो एक कपबोर्ड में रख देता है, जब कपबोर्ड खुल जाता है तो उसमें रख देता है, वो ये इमेजिनेशन कर रहा होता है कि आंखें बंद हो जाती हैं, वो सो जाता है, वो समझता है कि कपबोर्ड के अंदर मैंने जो रेड इंडियन को रखा है वो अब उसमें तो चला गया होगा, और वो बेड बेड के इंतजार कर, लेकिन चला गया होगा, अंधेरा हो गया होगा। तो ये सब कुछ इमेजिनेशन कर रहा है, और कौन इमेजिनेशन कर रहा है, ओमटा के सारे इमेजिनेशन कर रहा है कि ये कपबोर्ड उसने बॉटम पे, यानी कि ऊंचाई पे रखा, और वो रेड एडियन जो है वो इस अंधेरे में जिंदा है, वो ये सब कुछ ओमरी इमेजिनेशन कर रहा है। तो स्टूडेंट इसमें ये बताया गया है कि वो तोहफे को, यानी कि इसके दिमाग में सारी की सारी चीजें घूम रही इतनी सुबह से कि सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा, तो वो इसको लग रहा था कि इसमें अलाइफ है, यानी कि उसमें, यानी कि रेड एडियन जो है अलाइफ है इसमें, और इस कपबोर्ड में ये है अलाइफ है, यानी कि छोटी स्टोरी, यानी कि तोहफे के तहत ये स्टोरी थी। सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो। सो दिस इज माय 6th लेक्चर कंप्लीट रीडिंग। सो स्टूडेंट ओपन योर CW कॉपी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन द इंडेक्स एंड कम टू द नेक्स्ट पेज, हेडिंग फर्स्ट सेमेस्टर बाय मंथली वर्क हैज बीन स्टार्टेड, कम टू द नेक्स्ट पेज, चैप्टर हेडिंग बर्थडे प्रेजेंट and come to the next page, 2-page writing in your CW copy. Okay, Allah Hafiz.